जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद भवन में सुरक्षा में चूक, हमलावर पकड़े गए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी दर्शकों को याद कराना चाहता हूं कि 2001 में पार्लियामेंट पर, हमारी संसद पर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, और आज 13 दिसंबर 2023 है, अर्थात 22 साल के पहले ही ऐसा ही आक्रमण हुआ था। और वो जो आक्रमण हुआ था उसमें कई सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे, मारे गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, एवं पाकिस्तानी आतंकवादी भी पकड़े गए थे। और उन्हीं वही जो आक्रमण हुआ था 13 दिसंबर 2001 में, उसकी याद में श्रद्धांजलि के लिए आज 11 बजे का समय पार्लियामेंट में स्थिर था। सभी दलों के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री सब पहुंचे हुए थे वहां संसद परिसर में, अपने बहादुर जवानों को, जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु। उसके इस कार्यक्रम के बाद संसद भवन में, लोकसभा में दोपहर में जीरो आवर में, जिसको हिंदी में बोला जाता शून्यकाल, उसमें दो युवकों ने पहले तो नाराबाजी की, दर्शक दीर्घा में पहुंच गए थे वो लोग, पहले तो नाराबाजी की, नाराबाजी करने के पश्चात वो लोग वहां से, जबकि करीब 2 बजे तक उसकी हाइट रहती है दर्शक गैलरी की, वहां से कूदे दो नौजवान, कूद के सांसदों के बीच में आ गए, और अभी हमारे पास वीडियो भी आया है, और बेंच दर बेंच छलांग लगाते रहे। और उसके बाद वहां से उनके जूतों से ऐसे क्या कोई जहरीली गैस निकली, पीले रंग की, येलो कलर की, और उस जहरीली गैस से वहां धुआं धुआं हो गया, जहरीली गैस से धुआं धुआं हो गया। लेकिन वो दोनों के दोनों पकड़े गए, हमारे सांसदों ने उनको पकड़ा, सुरक्षा कर्मी तो थोड़ी देर बाद पहुंचे और हमारे सांसद लोगों ने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया। तत्पश्चात सुरक्षा कर्मी जब आए, पुलिस वाले आए, तब उनको सुपुर्द कर दिया गया। ये तो अंदर की बात है। और उस समय हमारे जो वरिष्ठ सांसद हैं, उस समय वो पीठासीन थे, अध्यक्षता कर रहे थे लोकसभा के, उनका नाम है राजेंद्र अग्रवाल। ये तो मैंने अंदर की बात बताई, लोकसभा कार्यवाही चल रही थी, ये अंदर की बात। लेकिन संसद भवन परिसर में भी ऐसे ही टाइप का एक क्रैकर्स कुछ जलाया गया, और वहां भी नारेबाजी की गई, और वहां एक लड़का और एक लड़की, एक युवक एक युवती, उन लोग यहाँ इसी तरह के एक पिज्जा टाइप का येलो कलर का क्रैकर्स वगैरह जलाए, और उनके क्रैकर्स के निशान भी वहां देखने को मिलते हैं, वीडियो हमारे पास भी पहुंची है। अर्थात ये जो आक्रमण हुआ, आज हमला हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ये कुछ ना कुछ इसके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब चारों के चारों हमलावर पकड़े गए। दो जो अंदर स्लोगान दे रहे थे एवं संसद में ऊपर से छलांग लगा के नीचे कूद के आ गए थे, उन लोगों को भी पकड़ा गया है। और ये जो दो शख्स, इसमें एक लड़का एक लड़की है, उन लोगों को भी पकड़ा गया। जो जानकारी मिली है कि मैसूर के, कर्नाटक के मैसूर के सांसद के द्वारा, सब कोई सीमा है, कोई सम सीमा है मैसूर के कोई सांसद, उनकी रिकमेंडेशन से, उनकी सिफारिशी पत्र लेके ये दोनों जो मतलब हमलावर थे आज पार्लियामेंट के अंदर, ये दोनों वहां पहुंचे थे एवं इन दोनों को पकड़ दिया गया। अब सघन पूछताछ होगी, इनका सारा कच्चा छिटा खुलेगा। लेकिन यहां गौर करने की बात एक है कि वो जो आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, वो पन्नू ने
जैसे वो बोला था कि अहमदाबाद में क्रिकेट मैच के फाइनल में मैं वहां पर धमाका करूंगा, और एक भी ऐसा ही कोई मैटर के ऊपर भी वो बोला था मैं धमाका, हाँ एयर इंडिया की जो फ्लाइट कनाडा से जाती है उसके ऊपर धमाका करूंगा। वो इससे ही धमाका उसने दो तो वो फेल हो गया, वो हुआ नहीं, लेकिन उसने आज 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में अटैक करने के लिए भी उसने आगे से खुलेआम धमकी दे दी थी। आज ही के दिन 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर अटैक होगा बोल के पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने, जो उसको दो देशों की नागरिकता मिल रखी है, एक कनाडा की एक अमेरिका की, उस पन्नू ने खुलेआम सरेआम धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को भारत की संसद में मेरे लोग जाके आक्रमण करेंगे, और वैसा ही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि वह पन्नू की भूमिका कितनी है, कि कौन लोग हैं, क्योंकि पीले धुआं भी उठी है, येलो कलर की धुआं भी उठी है, उससे कुछ हो सकता है कि कुछ तार जुड़े हो पन्नू के साथ भी, लेकिन ये अभी सुरक्षा की जांच का विषय, सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज मतलब वो जैसा 2001 में जैसा हमला हुआ था वैसा कोई हमला नहीं हुआ, वो लोग तो बाकायदा फायरिंग वगैरह भी किए थे, कुछ हमारे सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे, कुछ आतंकवादी भी मारे गए थे, और कुछ आतंकवादी पकड़े गए, तत्पश्चात उनको फांसी भी दी गई, ये सारा वाकया सब जानते हैं। और इसके उस समय के जो आतंकवादी हमला हुआ था हमारे पार्लियामेंट पर, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे रक्षा मंत्री एवं अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। तुरंत जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो हमारे रक्षा मंत्री थे, तुरंत उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर फौज इकट्ठा करा दी थी, और वो पाकिस्तान की सीमा पर फौज मतलब वहीं रही महीनों तक, और तुरंत दिल्ली पुलिस और मिलिट्री वगैरह पार्लियामेंट परिसर में भी आ गई थी, और वहां 1.5 महीना या 2 महीना तक पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमारी चौकसी बढ़ गई थी, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, और हमारे फौजी लोग वहां पूरे चौकसी बरत रहे थे और हमला के लिए तैयार थे, पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए। तत्पश्चात क्या हुआ, वो सब तो बड़े बड़े देशों की कूटनीति की बातें हैं, हो सकता है अमेरिका रसिया और किसी देशों ने भी बीच में बीच बचाव किया होगा, मध्यस्थता की होगी, और कुछ मतलब सुलहनामा कुछ हुआ होगा, इसलिए महीना दो महीना के बाद जो हमारे फौजियों का जमावड़ा उस समय सीमा पर हुआ था, वो फौज हम लोगों ने मतलब जॉर्ज फर्नांडिस ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने वापस बुला ली, नहीं तो उस समय युद्ध के पूरे पूरे माहौल, युद्ध का माहौल बन गया था और युद्ध का वातावरण भी आ गया था, लेकिन कुछ बीच बचाव होने के कारण वो बच गया वो माहौल। और आज वैसे कोई मतलब उतना बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन ये बात हम अवश्य कह सकते हैं कि ये सुरक्षा में चूक अवश्य हुई है, और एमपी लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, इन जैसे शख्सियत लोगों को जो इनको लिख के देते हैं सिफारिश पत्र देते हैं, उनके भली भांति है आगे से पता करना चाहिए ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये कैसे जाएंगे, क्या काम है इत्यादि, क्योंकि सभी अगर हम लोग सब सावधान रहेंगे तभी हमारी संसद भी सुरक्षित रहेगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।